नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु पाल और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। खबर जरा हटकर इस बार हम वार्ड परिक्रमा के एक नए अंक में फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नया वार्ड। यह है वार्ड 35। वार्ड 35 की सभासद हैं शाहीन बेगम, पत्नी नदीम खान। नदीम खान वार्ड सभासद के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने इस वार्ड में काफ़ी विकास कार्य कराया है। इस वार्ड में लद्दा वाला, कंबल वाली गली और पखरा मार्केट शामिल है। ये वार्ड काफ़ी बड़ा भी है। देखते हैं वार्ड में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं। इस बार हमारी टीम ने रुख किया वार्ड नंबर 35 का। यहाँ की सभासद हैं शाहीन बेगम, पत्नी नदीम खान। नदीम खान वार्ड सभासद के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस वार्ड के अंतर्गत कंबल वाली गली, पकड़ा मार्केट सहित लद्दा वाला का क्षेत्र आता है। देखा जाए तो ये वार्ड काफी बड़ा है। वार्ड 35 में हमारी टीम ने वार्ड के विकास कार्यों का जायजा लिया और जाना वार्ड का हाल। वार्ड 35 में वार्ड सभासद शाहीन बेगम और उनके पति नदीम खान ने काफी विकास कार्य कराए हैं। यहाँ पर सभी सड़कें इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा बनाई गई हैं। प्रत्येक गली और मोहल्ले में LED स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई हैं। इसी के साथ वार्ड 35 में भारी मात्रा में हैंडपंप की व्यवस्था भी कराई गई है। यही नहीं, यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था के लिए पानी के कनेक्शन भी वार्ड की जनता को उपलब्ध कराए गए। वार्ड की जनता को प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा लागू योजनाओं का लाभ दिलाया गया। इसमें विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, पति की मृत्यु के उपरांत मिलने वाला अनुदान, कन्या विवाह अनुदान, छात्रवृत्ति और भी अनेकों योजनाएं वार्ड की जनता को उपलब्ध कराई गई। वार्ड की जनता की हर समस्या, चाहे वे राशन कार्ड की हो या फिर कोई अन्य समस्या हो, वार्ड सभासद की माने तो उन्होंने बिना किसी भेदभाव के वार्ड का विकास कार्य कराया है और जितना हो सका उससे कहीं बेहतर स्थिति वार्ड की बनाई। उनसे पहले रहे वार्ड सभासदों ने वार्ड के अंदर सिर्फ वादे किए थे, विकास नाम की कोई चीज वार्ड के अंदर नहीं थी। आज वार्ड नंबर 35 में ज्यादातर सड़कें इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा बनवाई गई हैं। वार्ड में जनता की सहूलियत के लिए कई विकास कार्य कराए गए हैं। वार्ड नंबर 35 स्थित लद्दा वाला की सबसे बड़ी समस्या थी जलभराव की, जो यहाँ के गंदगी से भरे नाले के कारण उत्पन्न होती थी। मानसून आते ही यहाँ की जनता परेशान हो जाती थी, क्योंकि बारिश के दौरान यह नाला गंदगी से लबालब भर जाता था और नाले का पानी लोगों के घरों में बेतहाशा भर जाता था, जिससे वार्ड के लोगों का काफी नुकसान हो जाता था। शाहीन बेगम के सभासद चुने जाने के बाद उनके पति नदीम खान ने उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए इस नाले की सफाई कराई और जल भराव की समस्या से यहाँ की जनता को निजात दिलाई। उन्होंने जल निकासी के लिए जहाँ नालियाँ नहीं थी वहाँ नालियाँ बनवाई और जहाँ नालियाँ टूटी हुई थी उन्हें सही कराया। उन्होंने लगभग कई करोड़ की लागत से सड़कें, नालियाँ, स्ट्रीट लाइट, हैंडपंप्स और पानी के कनेक्शन लगवाए। हमारी टीम ने वार्ड के विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त करने के बाद रुख किया वार्ड की जनता का, जहां की जनता के साथ समीक्षा की वार्ड के विकास कार्यों की और जाना वार्ड के विकास कार्यों का हाल। वार्ड 35 में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और जानेंगे जनता की राय। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। हाय, मैं हूं रेमो डिसूजा और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। हाय, दिस इज नीलिमा अजीम एंड यू आर वाचिंग सिटी हलचल। हाय, दिस इज निकिता निगम एंड यू आर वाचिंग सिटी हलचल, खबर जरा हटके। हाय, दिस इज प्रत्युषा, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटके। हाय, दिस इज कायना अरोरा एंड यू आर वाचिंग सिटी हलचल, खबर जरा हटके। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन और आप मुझे देख रहे हैं सिटी हलचल पे, बड़ा ही आतंक वाला चैनल है भाई, मजा लीजिए। नमस्कार, मैं हूं दत्ता गोस्वामी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन सिटी हलचल। हाय, मैं हूं कुणाल गांजावाला और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। हाय, मैं हूं आमिर अली और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। हाय, मैं हूं शक्ति मोहन, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। हाय, मैं हूं संजीदा शेख और आप देख रहे हैं मुझे सिटी हलचल। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रताप फौजदार। अरे लाफ्टर चैंपियन, आप हंसते हो कि नहीं हंसते हो? आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटके।
मैं उदिता गोस्वामी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन सिटी हलचल. दिस शक्ति कपूर एंड योर गाइस आर वाचिंग सिटी हलचल. जरा हटके. नमस्ते, मैं हूँ भूमि त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटके. हेलो हाय, नमस्कार, मैं हूँ ख्याली. हाँ जी, लाफ्टर वाला ख्याली. अरे हाँ, दुल्ला के ने बनाया भूतनी के. आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटके. हेलो, दिस इज फलक नाज और आप सब देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर हटके. आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटके. मैं भी देखता हूँ, आप भी देखो. सेल 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 खुल गया है अब आपके शहर में मेकअप बाजार कॉस्मेटिक्स ज्वेलरी सेल, जहां आपको वाजिब दामों में मेकअप का सामान, बच्चों के खिलौने, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी व अन्य घरेलू सामान बड़े पैमाने पर उचित व सस्ते दामों पर होंगे उपलब्ध. प्रोपराइटर मोहम्मद मसूद, भगत सिंह रोड, पीर के सामने, मुजफ्फरनगर. मोबाइल नंबर 7520-949500, 8077-921930. Hi, this is Natkhat Bari from Balveer, from Sub TV, and you're watching City Halchal. Khabar zara hatke. Hi, main hu Paresh Ganatra aur aap dekh rahe hain City Halchal. Hi, this is Simran and you're watching City Halchal. Khabar zara hatke. Hi, main hu Bakhtiyar Irani aur aap dekh rahe hain City Halchal. Khabar zara hatke. Hi, main hu Tanaz Irani aur aap dekh rahe hain City Halchal. Khabar zara hatke. Hi, this is Panchali and you're watching City Halchal. हाय, मैं राकेश बेदी हूँ और आप देख रहे हैं सिटी हलचल. We'll be right back.
इस पब्लिक स्कूल में हमें पढ़ने जाना है। मुसलमानों को ये जानना जरूरी है कि तरक्की और खुशहाली का हर रास्ता तालीम के मैदान से होकर गुजरता है। पढ़ लिख कर देश के लिए करके कुछ दिखाना है। कॉस्टेस पब्लिक स्कूल हमारा हमें बड़ा प्यारा लगता है। हिंदी इंग्लिश उर्दू भी हमें टीचर पढ़ाते हैं। दीनी और दुनियावी हमें तालीम देते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के साथ साथ उर्दू, दरसे कुरान और दीनियात की तालीम भी दी जाए, जहां लड़कियों के लिए अलग बिल्डिंग का इंतजाम है? सो वाई वेट, प्लीज कम टू गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल, सरवट मुजफ्फरनगर, यूपी। गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल, एन इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज बाय द यूपी गवर्नमेंट। आपके बच्चों की बेहतर तालीम का वाहिद मरकज गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल, बजेड़ी रोड, सरवट, मुजफ्फरनगर, यूपी, इंडिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका फिर से वार्ड परिक्रमा में। वार्ड 35 के लोगों से हमने जानी राय और जाना कि क्या विकास कार्यों का है हाल वार्ड 35 का। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। वार्ड परिक्रमा में हमने बात की वार्ड 35 की जनता से और जानी उनकी राय। सिटी हलचल के साथ अमरीश कुमार। सन्नो, कहाँ रहने वाली हैं आप? कम्बल आपका 35 वार्ड जी। सन्नो जी बताइएगा आपकी विधवा पेंशन किसने बनवाई है? नदीम मेंबर ने। अच्छा, कितनी पेंशन मिल रही है फिलहाल आपको? 1500 महीना जी। तीन महीने 1500 मिल रहे हैं आपको जी। और विधवा होने के बाद कितना पैसे दिलवाए उन्होंने आपको? 30,000 दिलवाए। आप संतुष्ट हैं, काम से मुतमईन हैं जी? जो सभासद हैं शाहीन, उनके पति हैं ये मोहम्मद नदीम, वार्ड 35 के सभासद हैं। इन्होंने आपके वार्ड में क्या क्या विकास कार्य करे जी? सब कुछ कराया, जैसे कि लाइट, पानी और सारे काम करवाए, छत वतों का। अच्छा, तो आप मुतमईन हैं जी? अब दोबारा इलेक्शन होगा, इन्हें आप वोट देंगे जी? हाँ। क्यों दोगे वोट इन्हें, क्या वजह है? क्योंकि इन्होंने काम अच्छे करे। जहाँ आ रहा हूँ यहाँ मुजफ्फरनगर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम किया और अल्लाह इसको फिर लाए, ये तो हमें दुआ है। किस तरह काम किया, क्या कराया? सब चीज जो भी परेशानी हुई फौरन पूरी करी जी। अब दोबारा चुनाव होने वाले हैं, हाँ, तो अल्लाह से दुआ है कि नदीम नहीं आए। आप क्यों वोट देना चाहेंगे दोबारा? क्यों, अच्छा काम किया इसे जी, बिल्कुल मुतमईन। हाँ, पहले बहुत बुरी थी, पूरी नालियाँ ऊपर आ जाया करें थी। हाँ, अगर गटर हो गए तो वो कोई करने वाला नहीं आया, अब फौरन आ जाते जय नदीम कहते तो पानी, ये पानी अब ज़्यादा ठीक है। पहले तो बहुत थी कि बू का आ रहा, इसका आ रहा, अब तो फौरन नदीम मेंबर से कहते फौरन ये काम होता। बकरा मार्केट पर वार्ड कौन सा है? 35 वार्ड। आप ये बताइए जो आपके वार्ड सभासद नदीम है, किस तरह काम करते, क्या काम करे इन्होंने? यो नदीम सब गरीबों का बहुत अच्छा काम कर रहा है, इतना अच्छा काम कर रहा है, किसी भी टाइम चले जाओ मना नहीं करता बिल्कुल भी। आपके जो वार्ड में सड़कें बनी, लाइटें लगी हैं और काम हुआ, किसने कराया है वो? नदीम मेंबर ने करवाया।
अब पहले स्थिति कैसी थी, स्थिति कैसी वर्ड? अभी स्थिति बढ़िया, पहले तो बहुत गंदी स्थिति थी भैया, ना लाइट थी ना नाली साफ होती, इतनी गंदगी थी बहुत ज्यादा। अच्छा। और जीव तो नदीम भाई मेंबर बने, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आप इन्हें काम संतुष्ट हो? हाँ जी, बहुत अच्छे। दोबारा फिर नगर पालिका का चुनाव आ रहे हैं, पर्चे भरेंगे आप, वोट दोगे ना? वोट नदीम भाई को ही देंगे। क्या वजह है? हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है नितिन भाई, पूरे मोहल्ले का अच्छा काम कर रहा है, हिंदू मुसलमान का सबका काम बढ़िया कर रहा है। क्या नाम आपका? शाहिद अंजुम। कौन से वार्ड में रहती हो आप? 35 में। शाहिद जी बताइएगा, आपके जो वार्ड में विकास कार्य कराए, किसने कराए? ये जो है नदीम मेंबर, इन्होंने कराया है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करा, अपने काम में बहुत पूरे उतरे माशाल्लाह। जो भी योजनाएं आती हैं बताते भी हैं, और ये हमारी गली बनवाई है, लाइटें बनवाई हैं, कोई अगर हमारी जानकारी में हम जाते हैं तो बताते हैं, कोई भी स्कीम आती है तो बताते हैं, सबके भले में है माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोगों ने काम से मुतमईन हैं? जी बहुत बढ़िया माशाल्लाह। चुनाव होंगे जी, ये पर्चा भरेंगे, आपने सपोर्ट करोगे? इंशाल्लाह। क्या वजह है वोट देने की? माशाल्लाह पूरे काम में अपने बहुत अच्छे उतरे हैं ये, मतलब सबकी सुनते हैं, आते भी हैं, खबर भी लेते हैं, कोई भी काम इनसे पड़ता है तो उसको पूरा करते हैं। खातून। खातून जी, आपके वार्ड मेंबर कौन है? नदीम नंबर है। किस तरह काम करते हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं भाई, बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ जी। क्या क्या काम कराते हैं? सारा काम करवाया हमारे, पानी के भी, हर चीज के भी, बिल उल सारे जमा करने के भी। अच्छा। सारे काम करवाया हमारे से। आप लोग मुतमईन हैं काम से? हाँ जी। तसल्ली आपको? जी। दोबारा चुनाव को आने वोट दोगे आप? अजय हम तो सोचेगा नदीम भाई को दे रहे हैं जी, सही काम करवा रहे हमारे। नसीमा भाई नदीम। किस तरह काम करे, क्या करे? बढ़िया काम करे, सारे काम में काम आ रहे हैं। जैसे यहाँ से सड़क बनवाई उन्होंने, और हमारे स्कूल का भी काम करवाया उन्होंने। अच्छा। दाखिले में, और राशन का भी करवाया उन्होंने। अच्छा। ये हमारे साथ साथ रहे, जो भी काम करवाया वो साथ साथ चले हमारे। आपको तसल्ली है उनसे? हाँ जी। दोबारा चुनाव वोट दोगे ना? हाँ देंगे। क्यों दोगे? तो जो अच्छा काम करेंगे तो देंगे। जी, क्या नाम आपका? शबनम। जी, आपके वार्ड मेंबर कौन है? नदीम भाई हैं। किस तरह काम करते हैं आप? इन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं, हमारा राशन भी बनाया है इन्होंने। अच्छा। और मेरी पेंशन भी बनवाई, और बच्चों के स्कूल वगैरह के लिए। आप जी हैं? जी। तो आपके लिए क्या करा है? बहुत जी बनवाई इन्होंने, जैसी जैसी योजना आती चले गए उन्होंने, वही वही बताया, वो सारे काम कराए इन्होंने। जी है जी है। आप मुतमईन हैं काम से? जी है। किस तरह के हैं ये? बस किस तरह यही बनने चाहिए हमारे मेंबर फिर दोबारा से। जी है। दोबारा चुनाव आ रहे हैं जी, और इन्हों को दोगे जो इन्होंने हमारे सारे काम कराए हैं? बिंत अब्बास है। नदीम भाई हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम किया आपके लिए? हम पेंशन बनवाई, राशन कार्ड बनवाया जी, और सड़क वड़क भी बनवाई। हाँ सड़क भी बनवाई, हाँ लाइटें वगैरह भी लगाई। हाँ हाँ बहुत अच्छे से किया। हाँ हम तो बहुत चाहें कि हाँ यही हुए, हाँ तो जू देंगे कि इन्होंने काम अच्छे करें। आज तक जो भी मेंबर रहा किसी ने भी अच्छा काम नहीं करा। और हाँ जी बिल्कुल। मेरा रजिया। रजिया कहाँ रहती हो आप? यहीं रहते हैं। नहीं रहते हो? जी। आपके इसी गली में? इसी जी। आपके जो गली में मोहल्ले में काम हुआ वार्ड किसने कराया? नदीम भाई ना मेंबर, इन्होंने गली में करवाया, टंकी भी लगवाई, सब काम यही करवा रहे हैं, लाइटें भी सब चीज। बहुत बढ़िया। आप लोग इन काम से मुतमईन हो? हाँ बहुत अच्छे, दबाव में नहीं कह रहे हम किसी के, ना देख इसमें कर रहे हैं। हाँ दिल से कह रहे हैं अपने। हाँ हमारा बेटा है, बेटे की बराबर है। फरीदा। कहाँ रहती हो आप? सरवट गेट।
आप यहाँ रहती हो जी? अच्छा ये बताइएगा, आपके जो वार्ड में विकास कार्य कराए किसने कराए हो? नदीम भाई ने। अच्छा नदीम भाई ने कराया। कब जी? कब से करा रहे हैं काम? ये काफी दिन होगा। काफी दिन से कर रहे हैं जी। क्या क्या काम कराया है उन्होंने? हाँ मेंबर बने जब से करवा रहे बेचारा। आपका? रोशन झा। कौन से वार्ड में रहती हो आप? कौन से? 35। 35 वार्ड जी। अच्छा ये बताइएगा आपके वार्ड मेंबर कौन है? नदीम। किस तरह की शख्सियत है? बहुत अच्छे हैं, हमारे हर सुख दुख में खड़े रहते हैं, कोई भी काम होता है एकदम जाते हैं हमारे साथ। अच्छा। वैसे भी कोई परेशानी होते है पूछने आते रहते हैं। अच्छा। जी बहुत अच्छे हैं। विकास के लिए सबके राशन कार्ड, आधार कार्ड, बाहर लाइट वगैरह जो भी होता है सब काम कराते हैं। एक समस्या थी यहाँ जल भराव की, नाला था पहले खुला हुआ, उससे जल भराव होता था जी। क्या उसका समाधान किया? हाँ उसका भी कर दिया है, अब तो पानी भरता नहीं है यहाँ पे ज्यादा। जब भी नाले में कोई भी परेशानी होती है साफ कराते हैं उसको। सड़कें वड़के भी बनवा दी, यहाँ की गली भी दोबारा बनवा दी ऊंची करके जी। अब दोबारा नगर पालिका के चुनाव होंगे, चुनाव लड़ेंगे जी, क्या आप लोग वोट दोगे ना? जी हम तो ही नहीं देंगे। क्या वजह है जो आपसे वोट कर रहे होंगे? अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं हमारा। क्या नाम आपका? रजिया। रहती हो आप? वाले में। वाले रहती हो जी। वार्ड मेंबर कौन है आपके? भाई नदीम। अच्छा किस तरह के मेंबर है, किस तरह काम करते हैं ये? ये अच्छे से काम करते हैं, सब काम अच्छे से, नाले वगैरह सब कुछ, जैसा नाले सब अच्छे से। अच्छा आप लोगों के लिए क्या उन्होंने खास किया जी? आपकी पेंशन वगैरह बनवाई कोई? हाँ पेंशन भी बनवाई। अच्छा। जी वैसे सब काम अच्छे से करते हैं। अच्छा जी क्या खास है देने की? खासियत ये मेंबर इसलिए है, जब ये सबके काम अच्छे करते हैं तो इसीलिए सब इन्हें वो करते हैं। वो क्या जी हम तो चाहते हैं यही हो जाए, बहुत पहले भी बहुत कोशिश की। जहीर अहमद नाम है जी, ये 35 वार्ड में रहते हैं। नदीम मेंबर साहब ने किया है, जो बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने और आगे भी करते रहेंगे ये। किस तरह के विकास कार्य करे आपके यहाँ? इन्होंने नाले का विकास कराया है, नाली ये बहुत अच्छी तरीके से साफ सफाई करवाते हैं, और ये जो गाजा वाली से नाला इधर डाला है इन्होंने, ये बहुत अच्छा काम कराया है। ये बरसात के मौसम में भी अगर बुला लेते थे इन्हें और पानी भर जाता था ये आ जाते थे यहाँ पे। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला इन्हें हिम्मत दे, अगर ये हमारे बीच आए ना चाहेंगे तो हम इनको ही वोट देंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हमारे इसमें वार्ड में। हम मुतमईन हैं जी, बहुत अच्छे तरीके से मुतमईन हैं इनके काम से। शबाब आलम जनाब जी, आप कौन से वार्ड में रहते हो? वार्ड 35 जनाब। ये बताइएगा आपके विकास कार्य हुए किसने कराए? ये हमारे सभासद जो हैं नदीम भाई। दूसरी बात यह है माननीयवर, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मेंबर तो हमारे यहाँ और भी बहुत आए, मगर जो नदीम भाई के कार्यकाल में इन्होंने अपना यहाँ महत्व, तो सबसे बड़ी बात तो ये रही कि सबके दिलों को जीता इन्होंने, हर आदमी की खुशी गम में, सड़कों का काम, दुख तकलीफ़ में, सब में इन्होंने पूरा सहयोग इनका हमें रहा और हमारा इनको रहा, और आने वाले अब चुनाव में इंशाल्लाह इन्हें ही विजयी कराएंगे। हर आदमी की, हर बच्चे की, हर औरत की, सभी की यही कोशिश रहेगी। बरसात के अंदर जल भरवा हो जाता है जी, जी तो उसमें कितना हुआ? सही हुआ नहीं हुआ? बहुत सुधार आया है जी, बहुत सुधार आया है, क्योंकि यहाँ घरों में जो पानी भरता था, यहाँ तक के हमारी मस्जिदों तक में पानी, इबादत गाह में पानी घुसा है, तो उसमें भी इन्होंने ही सहयोग दिया है जी। डीएम महोदय को ज्ञापन सौंप कर सबसे ज़्यादा पब्लिक इन्होंने ही इकट्ठी करी, और इकट्ठी करने के बाद में सबसे बड़ा ये रहा कि सबसे कदम से कदम मिला के चले। मेरा नाम मोहम्मद अफजाल खान, मोहल्ला लद्दा वाले में। कौन सा वार्ड है आपका? 35। 35 वार्ड जी। अफजाल जी ये बताइएगा जो आपकी वर्धा पेंशन होगी किसने कराई है? ये भाई नदीम ने कराई। अच्छा। मेंबर साहब ने जी। अच्छा किस तरह के आदमी है? क्या आदमी इनकी? आदमी बहुत बढ़िया, जिस काम के लिए क्या फौरन तैयार रहते हैं। अच्छा। हाँ पीछे नहीं हटते। तो वार्ड में जो विकास कार्य हुए सड़कें वगैरह किसने बनवाई? या हाँ भाई नदीम ने बनवाई सभी। तो करवाया ये सड़कें बनवाई और काम कराए बतेरे, पेंशन के भी ऐसे और बतेरे। अच्छा। जो होने गए थे आप मोहल्ले वासी ने काम से मुतमईन है? हाँ जी मुतमईन। हम क्या वजह है जो सब चाह रहे हो आप? हाँ जी आखिर ऐसी क्या वजह है
जो आप इन्हें सपोर्ट कर रहे हो वोट दे रहे हो बस हमारे हर एक में काम आ रहे हैं। हाँ जो भी परेशानी मुसीबत में उसमें हमारा साथ देते हैं। आपकी पेंशन बनी है जी? कब बनी थी पेंशन? तो 4 साल से ऊपर हो गए। चार पाँच है जी। किसने बनवाई थी पेंशन? ये भाई नदी मेंबर साहब ने। लगातार मिलती आ रही है? हाँ लगातार। हाँ क्या नाम आपका? शबाब आलम। कौन से वार्ड में रहते हैं आप? वार्ड 35। ये बताइए कि आपके वार्ड सभासद जो है नवीन किस तरह का कार्य कराए, क्या कराया उन्होंने? देखिए अधिकांश जनता क्षेत्र के इनसे प्रसन्न है। 5 साल में इन्होंने अच्छे प्रयास किए और जितना भी इनका एबिलिटी थी उसके अनुसार योग्यता के अनुसार इन्होंने अच्छा कार्य किया और अधिकांश जनता इनसे प्रसन्न है। अपने कार्यकाल में क्या काम किए उन्होंने, क्या कहें? देखिए एक नाले की समस्या थी यहाँ पर, उसमें इन्होंने उचित प्रयास किया और उसका उचित समाधान भी हुआ जितना भी हो सका इनसे, और सड़कें बनवाई। इसके अलावा और सफाई वगैरह के भी थोड़ा कर्मचारियों की कमी की वजह से ये सफाई नहीं ज़्यादा वो करा पाए क्योंकि नगर पालिका ने बहुत कम कर्मचारी इनको दे रखे थे। आप ये काम तो नहीं? हाँ लगभग संतुष्ट हैं हम इनके काम से। मेरा नाम है डॉक्टर सरफराज अली, लद्दा वाला मस्जिद अंसारियान बराबर में। डॉक्टर साहब ये बताइए आपके वार्ड सभासद कौन है? हमारे वार्ड सभासद है नदीम खान है। ये किस तरह काम कराया है आपको वार्ड में? सारे कुल मिला के सारे काम अच्छे किए हैं भाई। जैसे भी किसी को रात के 2 बजे ज़रूरत पड़ी है तो 2 बजे तुरंत आ गए, जिस वक्त भी किसी बंदे को ज़रूरत पड़ी उसी वक्त फ़ौरन आ गए हैं और कुल मिला के सारे काम कर रहे हैं। साफ सफाई के अलावा भी सोशल कार्य जो होता है वो सोशल कार्य इन्होंने पूरा किया है बहुत अच्छा। जैसे भी जरूरत पड़ी जिस टाइम भी फ़ौरन आ गए, और इससे ज़्यादा क्या कर रहे हैं? आप इन्हें काम से मुतमईन हैं? हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे मुतमईन है बिल्कुल। हाँ पर्चा भरेंगे आप इन्हें वोट दोगे? नहीं हमारी तरफ से तो पूरा वैसा ही होगी जी, संपूर्ण सहयोग। नहीं काम अच्छा करते हैं, बढ़िया कार्य कर रहे हैं, जैसे बुलाएं तुरंत काम हो रहा है, किसी काम में कोई लापरवाही नहीं और सारे काम अच्छे हो रहे हैं। लाइट की साफ सफाई देख रेख सब ठीक हो रही है, तो ये चाहिए बस और क्या हम लोगों को, और हमें क्या है भाई साफ सफाई टाइम पे होती रहे तो कार्य ठीक हो रहा है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। लद्दा वाले गली नंबर 3 में। कौन सा वार्ड है? 35। नदीम मेंबर साहब हैं। किस तरह क्या कराना है? अच्छा काम कराते हैं, एक्टिव है, जैसे जो काम भी होता है हम उन्हीं से बोलते हैं वही कराते हैं हमारा सभी काम। किस तरह के क्या काम करते हैं, क्या विकास कार्य करते हैं? जैसे गली में कूड़ा होता है हम उन्हें बोलते हैं वही साफ कराते हैं, पानी आ जाता है वही आते हैं। जी जी यही कराते हैं, इनसे ही बोलते हैं हम। दोबारा चुनाव आ रहे हैं जी, दोबारा पर्चा भरेंगे आप लोग वोट दोगे ना? इन्हें ही देंगे और किसी को नहीं देंगे। क्या वजह है वोट देने की? जी ये सारा काम हमारा कराते हैं ये वजह है। आप कितने पढ़े हो? मैंने बीए कर लिया है। बीए कर लिया जी। वोट बना हुआ है आपका? जी बना हुआ है। किसको वोट दोगे आप इस बार? नदीम साहब को ही देंगे। यहाँ की जनता ने हमें वार्ड सभासद और उनके प्रतिनिधि द्वारा कराए गए विकास कार्यों और उनके सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहने की बात बताई। आप भी देखिए क्या कहा वार्ड की जनता ने और क्या क्या योजनाएं उनके वार्ड सभासद ने दिलवाई हैं। वार्ड परिक्रमा सिटी हलचल की टीम पहुंची वार्ड 35। जी क्या नाम आपका? मुझे बाहर अहमद कहते हैं। कौन से वार्ड में रहते हो आप? वार्ड नंबर 35 में रहते हैं। अच्छा ये बताइए आपका वार्ड सभासद कौन है? हमारे वार्ड सभासद तो नदीम साहब है और बहुत काम कराते हैं काम क्या? उन्होंने सड़कें बनवाई हैं, हमारे नाले बनवाए हैं, हमारे आसपास के बहुत सारे काम इस तरह करा देते हैं, दूसरे वार्डों तक के भी काम कराते हैं हमारे यहाँ। और यानी कोई भी आदमी आ जाए कि भाई मुझे मोहर लगवा दे, भाई हमारा ये काम कर दे, भाई उस काम को बड़े अच्छे तरीके से अंजाम देते हैं, हर आदमी के साथ एक पैर खड़े रहते हैं। बहुत पत्नी जी, उसके बावजूद ये काम कर रहे हैं, ये सब बहुत कुछ काम करते हैं उनको साथ, उन्हीं की बदौलत ये काम करते हैं क्योंकि वो इनकी पत्नी है, इस वजह से यही काम करते हैं उनका सारा साथ साथ। शहजाद अहमद। कौन से वार्ड में हो? वार्ड नंबर 35। शहजाद अहमद जी ये बताइएगा आपके वार्ड में विकास कार्य किसने कराए? भाई नदीम मेंबर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या क्या विकास कार्य कराए? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गली बनवाई है, ट्यूबलाइटें लगवाई है, बहुत अच्छा काम किया है। डॉक्टर चंद्रभान अरोड़ा,
नदीम साहब ने बहुत अच्छा काम किया है और हर वार्ड में इन्होंने काम करवाया है और शहर में इनका बहुत बड़ा नाम है, वार्ड में हर वार्ड में काम कराने का भी। आप एक आम मुतमईन है? हाँ बिल्कुल है, हम अच्छा काम करा है जब हम इनके साथ नगर पालिका चुनाव हो रहे हैं। हाँ हाँ ये फिटदार ठोके बिल्कुल बिल्कुल इनको वोट मिलेंगे नहीं जीतेंगे। क्या वजह है आप जो जो काम करते हैं और वो काम इतना निकल रहा है अच्छे काम में ये है। सिटी हेल्थ जिले की टीम वार्ड परिक्रमा में पहुंची वार्ड 35 में, जिसके सभ्य नागरिक से बात कर रहे हैं सभासद नदीम के बारे में। इन्होंने पिछले 5 सालों में क्या कार्य किया, आइए जानते हैं। नाम शहजाद आलम एडवोकेट है जी। आप कौन से वार्ड में रहते हैं? मैं वार्ड नंबर 35 में हूँ। और आपके वार्ड में विकास कार्य किसने कराया? हमारे यहाँ वार्ड नंबर 35 से नगर पालिका के जो सदस्य चुने गए थे वो नदीम साहब चुने गए थे, उनकी वाइफ के प्रतिनिधि के तौर पर इन्होंने काम किया और बहुत कर्मठ और जुझारू रूप से इन्होंने काम किया है। और मैं तो इनके बारे में यही कहूँगा कि काश अगर जो ये हमारे वार्ड से दोबारा इनका चयन होता है तो यहाँ की जनता इन्हें ही चुनती। और बहुत लगनशील प्रत्याशी रहे हैं, शुरू से ही मोहल्ले के लिए बहुत काम किया है। दूसरी बात, क्योंकि मैं इस परिवार और इस गली से जुड़ा हुआ हूँ, इतना ही कहूँगा कि इसमें ब्लैक एंड वाइट इंटरलॉकिंग सीमेंट का कार्य चल रहा था और इन्होंने अपने स्तर से पूरे प्रयास करके इसमें कलरफुल टाइल्स लगवाई। और कोई भी गरीब गुरबा है, अस्पताल का कार्य है, नगर पालिका से संबंधित है, वैसे भी बहुत अच्छे समाजसेवी हैं। मैं इनके बारे में ये कहूँगा कि अगर जो ये चुने जाते तो आने वाले समय में भी हमें इनके ही लगभग ऐसा ही प्रत्याशी चाहिए वार्ड मेंबर अपने वार्ड से। और इनकी तारीफ में और क्या कहूँ, ज़्यादा हो जाएगा। धन्य हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो मैं दोबारा इन्हें चुने जाने की अपेक्षा कर रहा हूँ। मुतमईन ना होता तो कैसे कहता, ये बहुत सुलझे हुए और बहुत समझदार आदमी है। नाम? मेरा नाम शाहनवाज सिद्दीकी है। सिद्दीकी साहब कौन से वार्ड में रहते हो? वार्ड नंबर 35 में रहता हूँ। सिद्दीकी साहब ये बताइएगा आपके वार्ड में जो विकास कार्य हो किसने कराए? हमारे मेंबर साहब हैं सभासद साहब नदीम साहब, बहुत अच्छा काम कराया इन्होंने सड़कों का, नालियों का, मतलब हमें इनसे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा कार्य कराया इन्होंने। हम ये चाहते हैं अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो हमारे वार्ड से यही खड़े हों और जो हमारा विकास कार्य और ज़्यादा हो सके इससे। ये थी वार्ड 35 की जनता की राय। अब चलते हैं वार्ड सभासद के पास और जानते हैं विकास कार्यों का लेखा जोखा। ओसाप अहमद के साथ अमरीश कुमार, सिटी हलचल, मुजफ्फरनगर। सिटी हलचल की वार्ड परिक्रमा में आज आपकी मुलाकात वार्ड 35 के सभासद पति मोहम्मद नदीम से करा रहे हैं। आइए जानते हैं पिछले 5 सालों में सभासद ने क्या क्या विकास कार्य किए। इन 5 साल में जी सभासद जी, पिछले 5 सालों में क्या क्या विकास कार्य किए आपने? इन 5 साल में हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टाइम दिया, लोगों के लिए संघर्ष किया और उनसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, जिसमें कम से कम लगभग 1 करोड़ से ऊपर के विकास कार्य किए हैं। सरवट गेट, नवल्टी चौराया, ओजवाली मस्जिद से लेके और लद्दा वाला मंदिर वाली गली तक शायद कोई गली ऐसी होगी जो ना बनी हो, और जिसमें हमने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रात दिन मेहनत की है। चाहे कोई भी मामला हो, चाहे राशन के लिए संघर्ष किया हो, चाहे विधवा पेंशन के लिए क्या हो, चाहे वृद्धा पेंशन के लिए क्या हो, चाहे और कोई भी योजना, सरकारी योजना कोई भी आई उसके लिए हम तत्पर लोगों के लिए खड़े रहे। जिसने जहाँ बुलाया उनकी आवाज़ पर हर समय लोगों के लिए पहुँच गए और शहर में से भी किसी भी वार्ड से कोई आदमी आ गया, किसी से वो काम को मना नहीं किया, 24 घंटे दरवाजे मेरे सबके लिए खुले रहे। मैंने बहुत संघर्ष किया और इस बात की मुझे खुशी है कि आज लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। और सबसे बड़ी हमारे वार्ड में जो समस्या थी वो नाले की समस्या थी, जो जल निगम द्वारा, शासन के द्वारा कराई गई है। हमने मोहल्ले वालों ने सब ने संघर्ष मिल के मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के मोहल्ले वालों ने संघर्ष किया है नाले के लिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो थी रुड़की रोड से, गाजा वाली से जो नाला लद्दा वाले में छोड़ा गया था वो अब हटा के वहाँ से पाइप डाल के जल निगम द्वारा अस्पताल से सरवट गेट चौराहे से लद्दा वाले में इधर साइड में रामलीला टीले की तरफ कर दिया गया है। हमें उम्मीद है इस पानी के यहाँ जाने से बहुत निजात मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक राशन विभाग की बहुत ज़्यादा लापरवाही थी मेरे वार्ड में, खाद्य सुरक्षा में लोगों के नाम नहीं थे, जिसमें मैंने जांच कराकर फर्जी राशन कैंसिल कराए हैं और कम से कम 200-250 राशन गरीब पात्र लोगों के खाद्य सुरक्षा में नंबर आए हैं, जो गरीबों को राशन अब मिल रहा है। मेंबर साहब ये बताएं कितनी सड़कें बनाई और कितनी विधवा पेंशन और अन्य कितने काम किए आपने? इसमें
कम से कम लगभग 25-30 जो है सड़क निर्माण कार्य हुआ है मेरे वार्ड में, और कम से 100-110 के करीब जो है पेंशन योजना का पात्र लोगों को लाभ मिला है इसमें। और जो सरकारी योजना, सबसे बड़ी बात क्या थी कि पति की मृत्यु के उपरांत जो पैसे मिलते हैं उसमें दलाल किस्म के लोग अपनी जा के भागीदारी करके लोगों को परेशान करते थे, 10-10 हज़ार रुपये मांगा करते थे। हमारे कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने उन लोगों पे लगाम लगाई, और अगर किसी का पति की मृत्यु भी हो गई तो हमने जाके वहाँ उन लोगों से मिल के उनके मृत्यु प्रमाण पत्र खुद जाके बनवा के ला के दिए, और साथ साथ जो मृत्यु के उपरांत जो पैसे की मदद मिलती है सरकार से वो हमने दिलाने का काम किया। हमने अपने वार्ड में लाखों रुपये विधवाओं को दिलवाए हैं, जितना हो सका हमने उतना संघर्ष, उतनी मेहनत की है, ये लोग इस बात का गवाह हैं। आपने अपने वार्ड में कितनी स्ट्रीट लाइट, कितने हैंडपम्प और अन्य क्या काम कार्य करे? मेरे आने से पहले और भी सभासद आए, जितना हो सका उन लोगों ने कार्य किए, उन लोगों ने लाइटें लगवाई, मगर जितनी लाइटें मैंने अपने वार्ड में, एक खंभा कोई बचा नहीं होगा जहां पर लाइटें नहीं होंगी लगी हैं। हर जगह, चाहे वो स्ट्रीट लाइटों में LED लाइट हो, कोई भी अनसारन मस्जिद हो, हौजवाली मस्जिद हो, चौड़ी गली मस्जिद हो, माता का मंदिर हो, भारत स्टील फैक्ट्री रोड हो, लद्दा वाले में खिचलू वाला बाग हो, चुंगी नंबर 2 पे माता के मंदिर के अंदर, मस्जिद के बाहर, जहाँ भी जितना हो सका लाइट, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सही रही है। किसी को नौबत मैंने नहीं आने दी। आज 2-3 महीने हो गए सामान नहीं मिला है लाइटों का, मगर उसके बावजूद भी मेरा वार्ड जगमगा रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये लोगों से पूछ सकते हैं। ये थी आज हमारे साथ वार्ड सभासद 35 के पति मोहम्मद नदीम। ये था वार्ड परिक्रमा में हमारी टीम का सफल भ्रमण। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर एक नया वार्ड लेकर। देखते रहिए सिटी हलचल, खबर जरा हटकर।